नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि VLAN क्या है, व्हाट इज VLAN, VLAN की हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी नेटवर्किंग के अंदर, और ये VLAN जो है हमें नेटवर्किंग के अंदर किस तरह से हेल्प करता है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम आज इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूएबल वीडियोज जो है आपको मिलते हैं जो आपके करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, अगर आप भी नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि VLAN क्या है और क्यों इसकी हमें जरूरत पड़ी। दोस्तों, अभी बात करेंगे कि VLAN है क्या। तो VLAN का मतलब है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक वर्चुअली जो है एक नेटवर्क को बनाने के लिए VLAN कहते हैं। अब VLAN से पहले की थोड़ी सी बात करेंगे हम कि VLAN क्यों रिक्वायरमेंट आई, तो उसके लिए मैं यहाँ पे हम अगर सपोज कर लो कि दो नेटवर्क रेडी करने हैं जिसमें है एक LAN 1 और एक है LAN 2, तो ये वर्चुअल नेटवर्क जो है जब तक VLANs अवेलेबल नहीं थे तो हमें जब भी दो अलग अलग नेटवर्क बनाने पड़ते थे उसके लिए हमें अलग अलग दो स्विचेस का भी इस्तेमाल करना पड़ता था, क्योंकि अगर एक ही स्विच के ऊपर ये सारे PC कनेक्ट कर देंगे तो ये दो अलग अलग VLAN नहीं बन पाएंगे, ये कॉमन एक नेटवर्क बन जाता है। तो ऐसे में जब हमें इन दोनों को अलग अलग रखना है तो हमें दो अलग अलग स्विच का भी इस्तेमाल करना पड़ता था, अदरवाइज ये सभी आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे। तो ऐसे में हमें जो है यहाँ पे दो स्विचेस का जरूरत पड़ती थी, तो यहाँ पे इन दोनों को जो है हमें स्विच अलग अलग ही रखने पड़ते थे, तभी जो है हम इन दोनों नेटवर्क को अलग अलग रख सकते थे। लेकिन अब ये ऐसी प्रॉब्लम जो है बहुत ही बढ़ती जा रही थी, यहाँ पे छोटे नेटवर्क थे वहाँ तो ठीक है, कॉमन था कि ठीक है आप अलग अलग स्विच लगा लो और जो है नेटवर्क्स बना सकते हो, लेकिन जहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स बनते हैं वहाँ पर ये चीज़ें जो है बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उतने स्विचेस की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है जितना बड़ा नेटवर्क होता है। तो ऐसे में जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई VLANs की, यानी कि वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क को जो है यहाँ पे इजाद किया गया। तो यहाँ पे जब वर्चुअल नेटवर्क एरिया जो आया तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ये एक लॉजिकल नेटवर्क बन गया। लॉजिकल नेटवर्क कैसे बन गया, तो यहाँ पे एक कोई कॉमन स्विच के अंदर जो है हम वर्चुअली यानी कि सॉफ्टवेयर के हेल्प के थ्रू एक ही स्विच के अंदर जो है हम स्विच तो एक ही होता था फिजिकली, लेकिन वर्चुअली हम उसको जो है अलग अलग नेटवर्क्स के अंदर जो है डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो नेटवर्क जो है वो एक ही स्विच के ऊपर जो है क्रिएट कर दिए गए, यानी कि वी हैव VLAN के बाद हमारे पास एक ऐसा पावर आ गया नेटवर्क इंजीनियर्स के पास कि वो मल्टीपल नेटवर्क या फिर LANs को जो है एक ही फिजिकल स्विच के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो VLAN 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे हम यहाँ पे हर स्विच के ऊपर जो है क्रिएट कर सकते हैं। लॉजिकली इन दोनों को जो है हम यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो VLAN 1 का VLAN 2 से लॉजिकली डिफरेंट कर सकते हैं, यानी कि एक स्विच होने के बावजूद भी जो है यहाँ पे LAN 1 के जो PC हैं वो LAN 2 के साथ जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉजिकली इसको जो है दो सेपरेट स्विचेस में डिफाइन कर दिया है, बट फिजिकली ये डिवाइस जो है वो एक है। यहाँ पे VLAN जो है हमें लॉजिकल सेगमेंटेशन ऑफ नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करता है। अब ये कैसे प्रोवाइड करता है, चलिए जरा एक एग्जाम्पल दे के समझते हैं। अब से फॉर एग्जाम्पल ये एक होटल है, अब इस होटल के अंदर अगर हमें यहाँ पे अलग अलग नेटवर्क चलाने हैं तो हमें जो है क्या करना पड़ेगा, या तो इस तरह से हमें अलग अलग नेटवर्क के लिए अलग अलग स्विचेस रखने पड़ेंगे और एक ही जगह पे एक एक अलग अलग नेटवर्क को रन करना पड़ेगा। ये हमारा पहला फंडा है कि इस तरह से हम कर सकते हैं, जब VLAN नहीं था तब ऐसा ही करना पड़ सकता था। लेकिन अगर हमें जो है इनको एक, जैसे कि यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे ऑरेंज है, यानी कि एक नेटवर्क जो है उसके PC यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ग्रीन है, यहाँ पर भी ग्रीन है, तो अगर इस तरह से हमें नेटवर्क चलाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग अलग स्विच और लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स होंगे उतने नंबर ऑफ हमें स्विचेस भी हर फ्लोर के ऊपर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंसेस है वो IT का वो बहुत बढ़ जाता है। रीज़न बीइंग कि हमारे हर नेटवर्क के लिए हमने अलग अलग स्विच जो हैं वो प्लान किए हुए हैं।
लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे VLAN का, तो VLAN में हमें जो है यही फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि हम जो है एक साथ अलग अलग फ्लोर्स के ऊपर अलग अलग नेटवर्क भी रन कर रहे हैं और हमें जो है यहाँ पे स्विच की भी अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि उन्हीं स्विचेस को हम लॉजिकली डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग नेटवर्क के अंदर और जो है हम पूरा नेटवर्क जो है एक कॉमन स्विचेस के थ्रू भी पूरा यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आपको जो है VLAN किस तरह से हमें नेटवर्क इंजीनियर्स को हेल्प करता है वर्चुअली पूरे नेटवर्क पूरे स्विचेस को डिवाइड करने में, यानी कि उनको जो है वर्चुअली सेपरेट करने में नेटवर्क्स को किस तरह से ये हेल्प करता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।